दोस्तों हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 51 में विज्ञापित सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्य के जो वैकेंसी निकाली गई है उनसे संबंधित इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को डिटेल में बताऊंगा। आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो के माध्यम से मैं यह बताऊंगा कौन ऐसे छात्र हैं जो फॉर्म जो है भर सकते हैं, कब से कब फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, कितने फ़ी लिए जा रहे हैं, क्या है चयन की प्रक्रिया, कितने पेपर के एग्ज़ाम होंगे, सभी डिटेल में बताऊंगा। तो आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। सर्वप्रथम दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं ऑनलाइन जो आवेदन करने की जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं यहां पर आप देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने की तिथि जो है 9 जुलाई 2022 है और शुल्क जमा करने की प्रारंभ तिथि 9 जुलाई 2022। ऑनलाइन आवेदन हेतु रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 7 अगस्त 2022। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 8 अगस्त 2022 और ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि जो है 10 अगस्त 2022 है। तो आप महत्वपूर्ण तिथि को ध्यान में रखेंगे। दोस्तों मैं अगर कुल जो सीटों की संख्या की बात करूँ तो कुल जो है 917 पद जो है निकाले गए हैं। अब मैं महत्वपूर्ण जानकारी दे दूँ कि फ़ी कितने लिए जा रहे हैं, आवेदन शुल्क कितने लिए जा रहे हैं। कैटेगरी वाइज यहां पर आप देख सकते हैं समान वर्ग जो समान वर्ग से आते हैं उन्हें जो है 2000 रुपीज़ जो है आवेदन शुल्क लगेंगे। आर्थिक रूप से कमज़ोर PWS छात्रों के लिए भी 2000 रुपये हैं और OBC कैटेगरी छात्रों के लिए भी 2000 रुपये हैं। तो समान वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग एवं जो है अन्य पिछड़ा वर्ग स्टूडेंट को जो है 2000 रुपीज़ जो है आवेदन शुल्क लगेंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 1000 रुपीज़ जो है आवेदन शुल्क निर्धारित किए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आवेदन शुल्क जो है कैटेगरी वाइज यहां पर दिए गए हैं। दोस्तों अब मैं आप सभी को रिक्तियों के बारे में बता दूं, आयु सीमा के बारे में। तो अधिकतम जो है 62 वर्ष यहाँ पर दिया गया है। वेतनमान भी यहाँ पर वर्णित किया गया है। साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं उन्हें आरक्षण में लाभ मिलेगा। दोस्तों अब मैं बता दूं आप सभी को कि अनिवार्य जो है शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि इस विज्ञापन में जो है निहित सहायक आचार्य पद हेतु विहित न्यूनतम शैक्षणिक जो है विषय आधार पर यहाँ पर दिया गया है। आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है मास्टर डिग्री में जो है मिनिमम जो है 55% होने चाहिए जनरल कैटेगरी वालों के, और जो OBC SC ST हैं दिव्यांगजन हैं उन्हें 50% जो है मिनिमम होने चाहिए। साथ ही साथ सेकेंड जो है वो है कि आपको जो है नेट क्वालिफाइड मिनिमम जो है नेट क्वालिफाइड होने चाहिए 55% मार्क मास्टर डिग्री में, और साथ ही साथ जो है नेट क्वालिफाइड होने चाहिए तभी जो है आप सभी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो 2009 के पहले PhD किए हुए हैं रूल से उन्हें भी जो है यह फॉर्म जो भरने का मौका दिया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे मास्टर डिग्री 55% और साथ ही साथ जो है नेट स्लेट भी पास हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं बात करूं कि यहां पर रिलैक्सेशन जो दिया गया है 5% जो OBC, जैसा कि मैं पहले भी बता दिया कि OBC दिव्यांगजन और SC ST को 50% मास्टर डिग्री में मिनिमम होने चाहिए, मिनिमम जो है 50% होने चाहिए तभी वो आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं एलाइड विषय के बारे में बता दूं कि ये सभी छात्र जो हैं इस विषय में आवेदन कर सकते हैं। तो हिंदी विषय में अगर जिन छात्रों के मास्टर डिग्री जो है भाषा विज्ञान से है वो भी हिंदी विषय में आवेदन कर सकते हैं। उसी प्रकार से अंग्रेजी में जो है भाषा विज्ञान या अप्लाइड अंग्रेजी से जो है उन्होंने मास्टर डिग्री किया है तो वो अंग्रेजी विषय में आवेदन कर सकते हैं। उसी प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे कि सभी विषय के जो है एलाइड विषय के नाम दिए गए हैं। राजनीतिक शास्त्र में जो है जो छात्र मास्टर डिग्री लोक प्रशासन या अंतर्राष्ट्रीय संबंध से की हैं वे सभी छात्र जो है राजनीतिक शास्त्र पॉलिटिकल साइंस विषय में जो है आवेदन कर सकते हैं। उसी प्रकार से सभी विषय के जो है एलाइड विषय के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। दोस्तों ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जो है किस प्रकार होगी ये भी यहाँ पर सभी डिटेल में दिए गए हैं। मैं आप सभी को बता दूं आरक्षण जो है केवल उत्तर प्रदेश राज्य जो है राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग को एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग अभ्यर्थियों को ही मिलेगा। ये स्टेट जो है वैकेंसी निकाली गई है। लिखित परीक्षा संबंधी यहाँ पर सभी डिटेल में दिए गए हैं। अब मैं चयन का आधार के बारे में बता दूं, चयन के आधार के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि चयन का आधार जो लिखित परीक्षा
तथा साक्षात्कार है। ध्यान रखना है आप सभी छात्रों को, आप जितने भी अच्छे स्कोर करेंगे लिखित परीक्षा में उतना ही बेनिफिट होगा आपको अंतिम रूप से चयन होने में। यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार है जो चयन का आधार। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। लिखित परीक्षा हेतु एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र समान ज्ञान एवं संबंधित जो वैकल्पिक विषय का होगा। लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित अंक 200 समान ज्ञान के 60 प्रश्न होंगे और जो वैकल्पिक जो कि वैकल्पिक के लिए जो है 140 तो प्लस साक्षात्कार के लिए जो है 30 अंक होंगे। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि कुल जो है 230 मार्क्स के हैं। समान ज्ञान के जो है 30 प्रश्न और वैकल्पिक विषय के 70 प्रश्न होंगे। जो आपके 100 प्रश्न होंगे उनमें 200 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिनमें से आप यहां पर देख सकते हैं कि 30 प्रश्न जो है आपको समान ज्ञान से पूछे जाएंगे और जो विषय आधारित प्रश्न होंगे वो 70 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, दोनों में जो है मिलाकर 230 जो प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता क्रमानुसार चयन सूची निर्धारित की जाएगी। तो आप सभी को ध्यान में रखना है, और जो है निगेटिव मार्किंग नहीं है प्रश्न पत्र में, कोई भी जो है ऋणात्मक मार्किंग नहीं होगी, तो ध्यान रखना है दोस्तों। और जो प्रश्नगत पदों का चयन हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन जो है सिर्फ जो है प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है कि जो एंट्रेंस एग्जाम होंगे लिखित परीक्षा का वो प्रयागराज में ही होंगे दोस्तों। और जो छात्र जो हैं लिखित परीक्षा में पास होंगे उसको जो है साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, और साक्षात्कार में किन किन चीज़ों को जो है डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आपको कुछ फ़ी भी लगेंगे साक्षात्कार के लिए, ऑनलाइन आवेदन करने जमा करने होंगे, ये सभी जो है डॉक्यूमेंट्स आपको साक्षात्कार के समय देने होंगे। अब मैं यहाँ पर जो लिस्ट में दिए गए हैं कि कितने विषय में कैटेगरी वाइज जो सीटों की संख्या है वो यहाँ पर वर्णित है। कुल जो है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, कुल जो है 37 विषय में 917 पदों की वैकेंसी आई हुई है। मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से इनके बारे में डिटेल में बताया हूँ, तो आप उस वीडियो को देख लें कि किस विषय में कितने सीटें हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, आप इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।